मध्य प्रदेश योग्य विभागाध्यक्ष एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। गुना पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ योग संबंधी बैठक कर कराया योगाभ्यास। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की दिनचर्या अनियमित होती है। सभी शासकीय विभागों से अलग हटकर पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहना पड़ता है। अनियमित दिनचर्या और समय पर भोजन नींद आदि नहीं हो पाने के कारण पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इस प्रकार मोटापा तथा कई प्रकार की बीमारियों से पुलिसकर्मी ग्रसित होने लगते हैं एवं मानसिक तनाव में रहने लगते हैं। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए योग एवं तनाव निवारण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस क्रम में आज दिनांक 18 मई 2023 को मध्य प्रदेश योग आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त IPS अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं पतंजलि योग पीठ प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा एक दिवसीय भ्रमण पर गुना पहुंचे एवं जिनके द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागार में गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ योग संबंधी बैठक कर योगासन प्राणायाम एवं उसके महत्व और लाभ के बारे में पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं इस दौरान वेद प्रकाश शर्मा द्वारा योग से संबंधित अपने स्वयं की प्राणायाम एवं उसके महत्व और लाभ के बारे में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं इस दौरान वेद प्रकाश शर्मा द्वारा योग से संबंधित अपने स्वयं की रचित पुस्तक योग से नशा मुक्ति भी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर को भेंट की गई। इस अवसर पर गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर, DSP महिला प्रकोष्ठ गुना महेंद्र गौतम, शैलेंद्र कुमार गोविल, यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश मिश्रा, DSP प्रभारी निरीक्षक लॉरेंस खेस, सूबेदार अविनाश उमरिया, उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह बैस, महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक प्रियंका तिवारी, उपनिरीक्षक अमित अग्रवाल, उपनिरीक्षक अंजलि गुप्ता आदि सहित कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सबसे बड़ा सहायक है, सबसे बड़ा मित्र है और सबसे ज्यादा निकटस्थ है, सबसे बड़ा सहयोगी। शरीर का कोई विकल्प नहीं, अगर किसके पास विकल्प तो मैं बता दूं, अपने ज्ञान को ठीक कर, कोई विकल्प नहीं। आज अगर किसी तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, कोई शारीरिक कष्ट आपको हो गया है, तो कोई शेयर नहीं करता, नोबडी कैन शेयर, आपको ही शेयर करना, आपको ही भुगतना है। तो देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रारब्ध जन और एक होते हैं हमारे द्वारा बुलाए गए, इन्वाइट किए गए। तो स्वस्थ रहने के लिए तीन शर्तें आवश्यक है, तीन जो है वो अगर हम करें, आहार, व्यायाम और निद्रा। अगर इन तीन चीजों पर हमने ध्यान दिया तो हम निश्चित रूप से बहुत हद तक अपने शरीर को रोगों से बचा सकते। आज से 30 साल 40 साल पहले जो पर्यावरण था, अब नहीं रहा। अब आप दूषित वायु को